तो गाइज इस साल जो बच्चे क्लास 9 to 12 के स्टूडेंट्स थे इस सेशन में, करंट सेशन में, उनका ये साल तो किसी तरह से गुजर गया, लेकिन 2022 में जो बच्चे एग्जाम लिखने वाले हैं क्लास 9 to 12, उनके मन में एक बड़ा सवाल है कि गाइज क्या होगा, सिलेबस रिडक्शन होगा कि नहीं होगा, होगा तो कब होगा, कितना होगा, क्या कुछ होगा। तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे मेल्स किया था, मैसेजेस किया था कि सर इस पे आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो सो प्लीज़ इस पे कुछ इंसाइट दीजिए, कुछ बताइए। तो गाइज ये वीडियो पूरा देखना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मैं खास तौर पर आजकल इसलिए ज़्यादा बोलता हूँ बिकॉज इस पैंडेमिक सिचुएशन में जितना राइट इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन सब तक पहुँचे, ये हम कहीं ना कहीं एक अच्छा काम करेंगे। सो प्लीज़ इसे आप शेयर ज़रूर कर देना। और यस, फर्स्ट टाइम अगर हमारे चैनल पे आए हो और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या किया यार, गो फॉर दैट। ठीक है, डू सब्सक्राइब एंड बेल आइकॉन दबा लेना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना। तो गाइज यहाँ पे अभी जो बड़ा मुद्दा है कि सिलेबस रिडक्शन का क्या होने वाला है 2022 के लिए, तो मैं आपको बता दूं कि सिलेबस रिडक्शन बिल्कुल कंफर्म है, एक तरह से 99.999% कंफर्म है। सिर्फ ऑफिशियल अपडेट आने वाली है और मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा कल या परसों में आ जाएगा, या हो सकता है आज भी आ जाए। अब आप बोलोगे सर आप इतने कंफर्म कैसे हो, दो वजह है। पहला, अगर मैं प्रीवियस ईयर को देखूं, पिछले साल को देखूं, तो पिछले साल 7 जुलाई को एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर रमेश पोखरियाल लाइव आए थे और उन्होंने ये अपडेट दिया था कि भाई जो सिलेबस रिडक्शन है वो किया जा रहा है अप टू 30% सिलेबस रिडक्शन किया जा रहा है। कब उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया था, पिछले साल 7 जुलाई को। ठीक है, अब अगर पिछले साल के सिनेरियो को, सिचुएशन को अगर आप अभी से तुलना करते हो तो यू विल फाइंड कि सिचुएशन कुछ नहीं बदला है। तब भी स्कूल बंद था, अब भी स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, है ना, सब चीज क्लोज्ड है। ऑनलाइन क्लास की खस्ता हाल स्थिति तब भी थी, आज भी है, अभी भी सैकड़ों स्कूल हैं जिन्होंने हाथ उठा के रख दिया है। अगर स्कूल किसी तरह से लेने की कोशिश कर भी रहे हैं तो स्टूडेंट्स हेल्पलेस हैं। स्मार्टफोन है तो डेटा नहीं है, डेटा है तो नेटवर्क नहीं है, सो मेनी प्रॉब्लम्स आ गया। तो मतलब सिचुएशन, सिनेरियो बिल्कुल हूबहू एक जैसा है। ये था पहला रीजन। दूसरा रीजन बहुत बड़ा है और आप कंफर्म हो जाओगे, कैसे, आईसीएसई सीआईएसई की तरफ से एक बड़ा अपडेट निकल करके गाइज आ चुका है। इनके जो सेक्रेटरी हैं मिस्टर गैरी अराथन, इन्होंने ये अपडेट दे दिया है कि इंग्लिश और इंडियन लैंग्वेजेस में जो सिलेबस रिडक्शन है वो ये लोग कर रहे हैं, यानी कि आईसीएसई बोर्ड सीआईएसई बोर्ड जो है इन्होंने सिलेबस रिडक्शन कंफर्मेशन कर दिया है। फिलहाल दो में ये सिलेबस रिडक्शन किया गया है, एक तो है इंग्लिश में, दूसरा है इंडियन लैंग्वेजेस में। ऑब्वियसली पूरे भारत की अगर हम बात करें तो दो बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट जो बोर्ड्स हैं उनमें से एक है ये बोर्ड, यानी कि एक सीबीएसई है, दूसरा है सीआईएसई, ये बोर्ड है। तो ऑब्वियसली उसमें से एक ने डिसीजन लिया तो इट मींस अब सीबीएसई की बारी है और वो लेंगे। अब यहां पे मैं आपको बता दूं कि जो सिनेरियो है, प्रिंसिपल्स जो हैं एफिलेटेड स्कूल, सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल्स के प्रिंसिपल्स हैं, उन्होंने भी, बहुत सारे स्कूलों के प्रिंसिपल्स ने भी ये एक तरह से समझ लीजिए कि मैसेज कर दिया है, सीबीएसई को लेटर लिखा है कि भाई स्कूल्स जो हैं वो कंडीशन में नहीं है कि वो ऑनलाइन क्लासेस चला सके। क्यों? क्योंकि किसी तरह से अगर ले भी लिया जाए तो जो लेवल है वो लेवल अभी तक नहीं आ सका है इस सेशन में भी। अब यहाँ पे एक और भी मुद्दा है कि क्लासेस एक तरह से बंद पड़े हुए हैं, ठीक है, क्लासरूम जो टीचिंग टाइम है वो रिडक्शन हो गया है। आप गौर करो, अप्रैल मई जून खत्म हो चुके हैं, यानी कि 3 महीना खत्म हुआ। अब यहां पे पिछले साल भी इसी बात को बेस बनाया गया था कि क्लासरूम टीचिंग टाइम जो है वो उसमें रिड्यूस होने की वजह से 30% सिलेबस रिडक्शन पिछली बार किया गया था। तो इस बार भी सेम सिनेरियो है। अभी भी कोविड का स्थिति बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता क्योंकि थर्ड वेव का खतरा इतना ज्यादा है कि लगभग पूरे देश भर में अगर आप देखिएगा तो सभी स्टेट्स जो हैं वो अपने यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं क्योंकि थर्ड वेव में खतरे का घंटी दिया गया है बच्चों के ऊपर, स्टूडेंट्स के ऊपर, मतलब छोटे बच्चे, ठीक है, बच्चे, ठीक है। तो अब यहाँ पे कौन चांस लेगा स्कूल खोलने का? हालांकि कुछ स्टेट्स कोशिश कर रहे हैं लेकिन नोबडी इज रेडी टू टेक चांसेस, कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। तो इस वजह से दे आर हेल्पलेस, ऑल द स्कूल्स आर हेल्पलेस। अब यहाँ पे एक और बात मैं आपको बता दूं कि ऐसे भी अपडेट्स निकल करके आए हैं जहां पर स्कूल्स जो हैं वो उन्होंने पढ़ाना ऑनलाइन वे में शुरू कर दिया है और वो भी पिछले साल के रिड्यूस सिलेबस के बेस पर।
ठीक है, पिछले साल के सिलेबस जो रिडक्शन था पहले करके रखा गया था उसी बेसिस पे उन लोगों ने क्लासेस, मतलब ओल्ड सिलेबस के हिसाब से आप कह सकते हो पिछले साल का 30% सिलेबस जो रिड्यूस किया हुआ था उसके अकॉर्डिंग ही क्लास ले भी रहे हैं। और बहुत सारे जो प्रिंसिपल्स हैं सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल्स, उनके प्रिंसिपल्स का साफ साफ कहना है कि सिलेबस रिडक्शन होना चाहिए ताकि टीचर्स पे, स्टूडेंट्स पे, पेरेंट्स पे स्ट्रेस ना पड़े। और क्लैरिटी जरूरी है। अब क्योंकि क्लैरिटी जरूरी है और पिछली बार का अगर हम देखें 7 जुलाई का सिम्टम या जो भी कह लीजिए, तो ये कंफर्म है कि सिलेबस रिडक्शन का अपडेट किसी वक्त भी मैं आपको दे सकता हूं, आज भी, कल भी, परसों भी, किसी वक्त भी, जैसे ही फाइनल अपडेट आ जाता है, क्योंकि सीआईएसई बोर्ड ने अपना जो है वो फैसला ले लिया। अब बारी है सीबीएसई को कदम उठाने की। तो गाइज लगातार हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं कंफर्म ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन सबसे फास्ट, सबसे पहले। और ये एक चैनल यूट्यूब पर है जहां पे जिसको कहा जाता है कि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन कहीं मिलता है तो वो सिर्फ और सिर्फ यही मिलता है। तो अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो गाइज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां मैं वीडियो डालूंगा और तभी वो अपलोड होकर के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा जब आप सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा। तो गाइज जल्दी कीजिए, जुड़ जाइए हमसे, बनिए हमारे परिवार का हिस्सा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।